हेलो दोस्तों, मैडम कुछ मैं देखो चलो स्टार ना सारे को नहीं लेके हूँ दोस्तों। ये नो थे कंगना रनौत के बारे में, कंगना रनौत थलाई बा फिल्म के बाद एक और पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म बनाने वाली है। आपको बता दूं कि थलाई बा जो फिल्म है ये तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की बायोपिक होने वाली है और बहुत ही जल्द ये फिल्म रिलीज भी होने वाली है। लेकिन इस फिल्म के अलावा एक और फिल्म आएगी कंगना रनौत की, जिसमें वो इंदिरा गांधी का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगी। और कंगना ने कल ही इस बारे में जानकारी दी कि वो एक फिल्म में इंदिरा गांधी का रोल प्ले करेंगे, जिसको वो खुद प्रोड्यूस करेंगे उस फिल्म को। और कंगना ने ये भी बताया कि ये फिल्म कोई इंदिरा गांधी की बायोपिक नहीं है, बल्कि ये एक इंडियन किताब के ऊपर आधारित है, जो कि जिसमें इंदिरा गांधी का जिक्र किया गया था, उसी किताब के ऊपर ये फिल्म बनाई जा रही है। और इसी के चलते कंगना रनौत इंदिरा गांधी का रोल प्ले करेंगी। और कंगना ने ये बताया कि इस फिल्म में बहुत जाने माने कलाकार आपको नज़र आएंगे, कोई इन राजीव गांधी के किरदार में, कोई किसी के किरदार में। तो इस फिल्म का काम जो है बहुत ही जल्द कंगना रनौत शुरू करने वाली है। और इस फिल्म की जो स्टोरी है उसका वो पूरी तरह से लिख ली गई है और लास्ट फेज में है। इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट है उसका काम लास्ट फेज में है, ये कंगना रनौत ने कल अपने ट्विटर पर ट्वीट करके बताया था। और तो ये सेकेंड पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म होने वाली है कंगना रनौत की। और इससे पहले जयललिता की बायोपिक जो है थलाई बा, उसको कंगना रनौत रिलीज करेंगी, जिसके बाद ये फिल्म रिलीज होगी। और उस फिल्म का काम भी कंप्लीट हो चुका है, जयललिता की बायोपिक जो है थलाई बा उसका काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इस फिल्म का अभी काम शुरू भी नहीं हुआ है। तो आपको बता दूँ कि बैक टू बैक दो पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म लेके आने वाली हैं कंगना रनौत, जिसमें एक में जयललिता का रोल करेंगी और एक में इंदिरा गांधी का रोल करेंगी। तो अब ये दोनों पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म कितनी चलेंगी कितनी नहीं, ये तो जब ये फिल्म फ्लोर पे आएंगी या स्क्रीन पे दिखाई जाएंगी तभी पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।